और विकास भाई के बिना ये चीज नहीं हो सकती। नहीं 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 भैया, सच बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मोटिवेशन आप ही ने दिया था। फिर मैं बोलूंगा मैं चला शादी शुदा नौकरी शुदा आप पीड़ित आदमी। देख के तो आपको पक्का लग रहा है भाई ठंड वंड आ गई है। हाँ भाई सच्ची में ठंड आ गई है। और अभी जो स्वेटशर्ट पहनने का मजा है ना भाई तगड़ा। अभी चलो यहाँ से फटाफट निकले, पापा को बोलूंगा पापा छोड़ेंगे आज मेरे को। आज अपनी कोई भी गाड़ी नहीं जा रहे क्योंकि BMW वहीं पे खड़ी हुई है। और पापा को बोलूंगा ताकि अरे यार कितना धूल है नहाने का, सब बेकार नहाना, और उड़ा दो धूल सब गंदा कर दो। हेलो थार। हाँ तो सीन ऐसा है कि पापा को मैं इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए क्योंकि मेरी एक गाड़ी वहीं पे खड़ी है। अभी एक गाड़ी यहाँ से लेके जाएंगे फिर एक गाड़ी हमेशा वहीं पे रह जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा भाई वो गाड़ी रेडी होगी अपनी BMW जो PPF होना था और उसका ना अंदर से जो कोटिंग वगैरह था ना वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने कहा पापा एक बार छोड़ दो मेरे को। ओके बाय। चलो जी हाँ गेट बंद कर दे रहा हूँ। ओह बहुत सारी गाड़ी आई हुई है, मेरी गाड़ी भी बाहर ही लगा दी है। चलो मतलब रेडी हो गई है हर तरीके से। सुबह सुबह हमारा भी कुछ ऐसा दिख रहा है, बाहर गाड़ियाँ अंदर गाड़ियाँ सब पे काम चल रहा है मज़ेदार तरीके से। बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर भी है पेंट बूथ में, उन पे भी काम चल रहा है। चलो भाई थैंक यू सर, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है बहुत ही अच्छी लग रही है, मेरे को भी बेलेनो चेंज करनी है। मैं अंदर उस हिसाब से इसको देख रहा था, दो तीन गाड़ी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वर्टिस ये और एक स्लाविया। स्लाविया भी सही है ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये BH नंबर ना मेरे को भी दिलवा दो आप। SDFC ज्वाइन करना सर, आए मुंबई से सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस कार ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू गुड़गांव। बट ये BH नंबर से MH पता नहीं चलता सर। मुंबई से ड्राइव करके आए स्कॉर्पियन, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा काम होना है। अभी हमने सर के साथ फोटोग्राफ वगैरह करवाई, वहाँ से वो गाड़ी निकल रही है अपनी, ठीक है वो निकल जाएगी फिर इसको इस पे काम स्टार्ट करते हैं। भाई अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे पास दो नई ब्लैक स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियन तगड़ी भाई, बहुत तगड़ी। एक आई है मुंबई से और एक तो है टेम्परेरी नंबर, ये तो हरियाणा की है, ये टेम्परेरी नंबर। अब अपनी गाड़ी को ना यहाँ से निकालना है और अपने को जाना है अभी मायापुरी। अब मायापुरी क्यों जा रहे हैं वो तो आप थंबनेल देख के ऑलरेडी समझ गए, कवल भैया के स्टोर की ओपनिंग है। तो इसीलिए अपन थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, आज 4:30 बज गए। वैसे मुझे 5 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था, इनफैक्ट मुझे सुबह पहुँचना था, लेकिन दिन भर इतने लोग आते रहे, उनसे मिलते रहे, बातें करते रहे कि पता ही नहीं चला। ओ भाई कॉफ़ी पिला दोगे? ठंडा कॉफ़ी कर दो, एक कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है विदाउट शुगर, फटाफट टेक अवे में। कॉफ़ी भी तो लेके जाना है, बहुत दूर जाना है, पाकिस्तान जा रहा है ना। अगर इन दोनों गाड़ियों पे ना अभी हम कुछ काम करने वाले हैं, शायद इसकी एक वीडियो भी हम शूट करें। तो अभी चलते हैं सबसे पहले मायापुरी। रितेश अभी मेरी गाड़ी निकलवा देगा क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी अंदर फंसी हुई है, निकालने में थोड़ी हेल्प लगेगी। और बाकी ऐसा नहीं है भाई, आज एक किसी कोई मुझे कह रहा था कि आप हमेशा डार्क कार्स ही करते हो क्या, वाइट गाड़ियाँ नहीं करते? नहीं भाई, हम वाइट गाड़ियाँ क्या, हम सारी कलर की गाड़ियाँ करते हैं। सारी गाड़ियों से हमें इक्वली प्यार है, स्कॉर्पियो से भी, BMW से भी, और टाटा की इस टिगोर से भी। टिगोर ही है ना? टियागो से भी। हाँ टियागो, टिगोर, टियागो, थोड़ी सी बड़ी हो गई तो टियागो, नहीं टिगोर, और ये हो गई तो टियागो। चलो भैया पहले कॉफी लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। भाई अपना रास्ता थोड़ा लंबा है तो हमने कहा कॉफी उठा लेते हैं। हाँ और प्लस कवल भैया के लिए गिफ्ट भी उठाना है। हाँ उनके पसंद का गिफ्ट, गिफ्ट पसंद आना चाहिए यार, आपको पता रहना चाहिए कि किसको क्या पसंद आएगा। तो वो गिफ्ट भी उठाएंगे, वो गिफ्ट आपको दिखाते हैं क्या उठाएंगे। चलो भैया कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर होगा और ट्रैफिक भी अभी काफी ज्यादा ही होगा। अरे पागल है क्या, कुछ नहीं करना। तो जी अपने को दिखा रहा है फिलहाल 1 घंटे, मतलब 34 किलोमीटर के लिए 1 घंटे, विच इज ओके कंसिडरिंग के ऑफिस का टाइम स्टार्ट होने वाला है, मतलब ऑफिस छूटने का टाइम, तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी अपने को वैसे भी मुझे पता था कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यार पहुंचने में। तो अभी इसमें सबसे पहले ना पेट्रोल लेना है क्योंकि ये गाड़ी जितना दिखा रही है ना उतना चलेगी नहीं, ये अभी दिखा रही है सिर्फ 93, ठीक है। और अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पर डाल दिया ना तो भाई ये 30-40 किलोमीटर ही चलेगी, मतलब इतना तेज़ी से पेट्रोल ख़त्म होगा।
बाकी ठीक है यार, अभी डलवाना है तो डलवाना है, कोई कुछ इसमें तो कुछ इफ्स एंड बट्स है ही नहीं ना, ओनली जेट्स है। बाकी मैं ना एक छोटे से क्लिप्स डाल रहा हूँ, कल जो मैंने रिकॉर्ड किया था जब इस गाड़ी का काम हो रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बट आपको ना ग्रेजुअली वो कनेक्ट करेगा वो चीज़। तो मैंने कल ही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कल मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था तो मैंने वो डाला नहीं था। मीनवाइल जब तक मैं पहुँचता हूँ तब तक गाड़ी में पेट्रोल और जो उनका गिफ्ट खरीदता हूँ, तब तक आप ये ना क्लिप एंजॉय करो, और मीनवाइल एक घंटे में तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। भाई आज फाइनली मेरी गाड़ी भी रेडी हो रही है। अब देखो ये पीपीएफ हमने कराया था 7-8 महीने हो गए। पांडे जी एक मिनट, बस एक मिनट पांडे जी, बस ये देख रहे हो इसकी शाइन। एंड अभी मैं दिखाऊं तो इस पे आपको ना एक भी सॉइल मार्क्स नहीं दिखेंगे, एक भी। इसका ना सिर्फ मैंने बम्पर का ये चेंज कराया, वो बम्पर आपको पता ही होगा। अब ये जो बम्पर का ये है ना सेंसर का कटिंग, ये तो बाद में रेक्टिफिकेशन में अपना कटिंग होगा, अभी बम्पर पूरा सेट हो जाएगा। प्लस एक और चीज़ यार, एक और चीज़ जो हम देख रहे थे ना, ये देखो इसका ग्रिल है, अब ये ना पियानो ब्लैक में। अब क्या है ना कि देखो इस पर पीपीएफ नहीं है, ठीक है, तो इस पर देख रहे हो कितने ज़्यादा स्क्रैचेज हैं, यहाँ देख रहे हो ये कितने ज़्यादा स्क्रैचेज इस पर दिख रहे हैं। अब ये चीज़ ना एग्जैक्टली मेरे को यहाँ भी दिख रहे हैं, देखो ये देख रहे हो पेंट पूरा डल हो गया है, ये पियानो ब्लैक का, ये देख रहे हो ये पेंट पूरा डल हो गया है। प्लस एक और चीज़, अब देखो ये भी पियानो ब्लैक है लेकिन इसका पेंट आपको दिख रहा है कितना है, क्योंकि इसके ऊपर पीपीएफ है। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ ये देखो, ये दिख रहा है पूरा का पूरा ना ख़त्म हो गया है यार, बेकार सा हो गया है। तो अब ना हम इसको एक चीज़ कर रहे हैं, हम ना इन पार्ट्स को अभी बफ करके इनके जितने भी स्क्रैचेज हैं उसको कम करके फिर हम इसमें ना सेरेमिक कोट कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसके जो स्क्रैचेज आएंगे ना इसके ऊपर एक लेयर हो जाएगा ताकि वो ना गंदा नहीं दिखे। नहीं तो ये ना ऐसा लग रहा है पूरी गाड़ी नहीं है, ये सेकंड हैंड मार्केट से खरीद के लगा दिया है मैंने। तो अभी वो करते हैं, फिर आपको बिफोर तो आपने देख लिया कि भाई कैसा है, अब आफ्टर आपको एक बार दिखाएंगे, एक बार हो जाने दो। बिफोर तो यार है बिल्कुल, ये हमने कर दिया है, ये नहीं किया है। भाई देख रहे हो कितना डिफरेंस है, कैसे दिखाऊं, ये देखो ये अभी किया है, इसमें सेरेमिक वगैरह कुछ नहीं, इसको सिर्फ बफ किया है। और यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा है भाई, काफ़ी ज़्यादा विजिबल डिफरेंस है, मतलब ये आप देखो। और ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो आपको शाइन और इसमें ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अब हम ना इसमें सेरेमिक अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो अभी भी मतलब क्लैरिटी है ना, मतलब ग्लॉस है ना, वो अच्छी हो जाए। भाई ये ले लिया अपनी छोटी सी गिफ्ट, हाँ उनके काम की गिफ्ट, कवल भैया के काम की गिफ्ट, और ये लेके फटाफट यहाँ से भाग लो। भाई गाड़ी क्या प्यारी लग रही है, एक बार आगे से दिखा दूँ, ये देखा लग रही है कि कहीं एक्सीडेंट हुई थी, हाँ बिल्कुल नहीं लग रही है भाई, अच्छा काम करो अच्छा, हाँ खुल जा। ये ना दिवाली का पोल्यूशन नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना हवा में इतनी जो आपको ना अजीब सा ही दिख रहा है ना, जो आसमान दिख रहे हैं भाई, एक फ्लाइट भी जा रहा था पता ही नहीं चला, और नीचे उतर लो ना, हाँ और नीचे उतार लो भाई, एकदम लास्ट मोमेंट पे पता चला है, ये दिवाली के वजह से नहीं है भाई। जो लोग भी ना दिवाली को ब्लेम करते हैं ना कि यार पटाखों के वजह से होता है, भाई ये पटाखों के वजह से इतना नहीं हो सकता, होता है मैं मानता हूँ कि पटाखों की वजह से भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है, बट यार सिर्फ दिवाली को ब्लेम करना इज नॉट गुड। ओके, ये बहुत सारे रीजंस हैं इसके, और जो सबसे प्राइमरी रीजन है वो है पराली का जलाना, ठीक है, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हर साल होता है यार। आई थिंक गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने चाहिए यार। सिर्फ BS3 BS4 व्हीकल्स को बैन करके, दिवाली को ब्लेम करके, एंड देन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इस पे स्टेटमेंट कि यार दिवाली यू नो पॉल्यूशन फ्री दिवाली, यार पॉल्यूशन फ्री क्या दिवाली यार, बचपन से आज तक यार शगुन के पटाखे जलाते हैं, इतना भी नहीं यार, शगुन के पटाखे भी अब वाइब ही नहीं आई यार, इस बार मैंने एक पटाखा नहीं छोड़ा, और मैं सच्ची बताऊँ तो दिवाली में कोई वाइब नहीं आई, मैं इतना मतलब यार बचपन से आज तक वही करते आए यार, दिवाली मीन्स दिया पटाखा यू नो मीठा खाना, बोल दोगे अचानक से भाई दिवाली में दिया मत जलाओ, हाँ लाइट मत जलाओ, भाई कैसी दिवाली यार। वर्ल्ड कप अभी चल रहा है जिसमें इंडिया का ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है यार, ताबड़तोड़ 10 के 10 मैच हमने जीते हैं भाई। वर्ल्ड कप कोई भी टीम मैच जीती है उसके बाद भी तो पटाखे फूट ही रहे यार, हाँ इलेक्शन होते हैं तब भी तो पटाखे फूट ही रहे, मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आप खुद समझदार हो यार, तब भी पटाखे फूट रहे हैं, तब कोई किसी को ब्लेम नहीं करता, सिर्फ दिवाली आती है, होली में पानी मत वेस्ट करो, दिवाली में पटाखे मत जलाओ। जब पानी वेस्ट मैं दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है, बट यार नॉट डन, मर गई है यार दिवाली का फेस्टिवल ना, फेस्टिविटी ना
जो फील है ना वो जब बचपन में खेलते थे और आज के टाइम पे खत्म हो गया है। और ना मैं स्वाति को इसलिए वहाँ पे मैंने कहा कि दोनों हम नहीं जाते हैं ना, बहुत उम्मीद है आपसे और वो सारी उम्मीदों पे खरा होना। थैंक यू कवल भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू कवल भैया, मतलब मैं कवल भैया को ना आज से नहीं मतलब पता नहीं बेटारा ब्रेजा थी मेरे पास जब यूट्यूब पे नहीं 2016 हाँ मतलब 10 साल हो जाएंगे मैं कवल भैया को जानता हूँ। और मेरी गाड़ी में अगर कुछ भी मतलब ऊपर मतलब एक्सेसरीज का कुछ भी एक तार भी होता है ना तो वो कवल भैया के पास ही होता है। और चाहे मुझे कुछ भी करना मैं गुड़गांव से करोलबाग जाता हूँ। तो कवल भैया को बहुत बहुत बधाई भाई, कांग्रेचुलेशन कर दो। और विकास भाई के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। नहीं 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 भैया, सच बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मोटिवेशन आप ही ने दिया था। अरे नहीं नहीं, मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपने कहा भैया कर लो। हाँ, क्या कहा था ना आपने जब आपकी BMW के डिलीवरी टाइम? हाँ हाँ हाँ, मैंने कवल भैया को बोला था कि दोनों भाई एकदम धमाल मचा देंगे, एकदम किलर, क्योंकि गाड़ियों से जिनको प्यार है ना यार, तो वो चीज़ ये इमोशंस है। अच्छा बेटर आएगा ना। अब क्या बोलूँ, अब तो फ्लो फिर से बोलो कुछ, चकदे फटे कर देंगे, चकदे फटे कर देंगे। ये तो बताओ लेट क्यों आए? वर्क प्रेशर। नहीं नहीं देखो, पीछे से कैमरे के डेविस पे इतना अच्छा काम आ रहा है, इनके भाई इतने बिजी हैं। नहीं एक्चुअली मैंने बताया ना, मुंबई से एक सर आ रहे थे तो वो स्पेशली मुंबई से आई है गाड़ी। और ना एक फिर मैं आपको अभी 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 ऑफ द कैमरा बताऊंगा ना, ऐसे ऐसे ना कुछ इवेंट में ना ऐसे कुछ इवेंट में ना टकला भाई मिल जाता है ना, तो सुनो ऐसे तो बिजी रहते हैं ना। सुनो वो वाला हमारा प्लान कजाकिस्तान वाला, हाँ वो ऑन है, ऑन है ना, पक्का ना? कब का है? सुनो हाँ, मेरे को डीजी टू में वो रख रहे हो मैनेजर? डीजी टू में रिटेलिंग लेवल टू मैंने देखा था, भी आया था मेरे को, रख रहे मैनेजर? रख लो यार, मैं बहुत तंग हूँ अपनी नौकरी में यार, कसम से बहुत तंग, रख लो यार। ये आपके बॉसेस भी देखते हैं ये? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, मैं उनको बोलता हूँ जब नौकरी लगी तो फिर क्या टेंशन है? सही बात है, फिर मैं बोलूँगा मैं चला। भाई सुनो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली एक दिन ऐसा कोई रैंडम प्लान बनाना पड़ेगा जैसे कश्मीर वाला बनाया था ना, ऐसे तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। बिल्कुल डन है भाई, पक्का। 100% मंथन के पहले या मंथन के बाद? मंथन के पहले भाई, मंथन के पहले बाद में, मतलब पहले मतलब बिल्कुल मंथन के आसपास हो तो फिर नहीं, मतलब फिर अगर 25 पे पहले हो, 23-24 से पहले हो तो ठीक है, तो फिर स्टार्टिंग ऑफ 1 दिसंबर के आसपास। हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डन है डन है। मैं सुलस भाई से भी बात करता हूँ ना भाई, मुझे पता है कि ये दोनों लास्ट में जाके गोली देंगे भाई, मेरा ऑफिस है तुमको पता है, मैं नौकरी शुदा शादी शुदा नौकरी शुदा आम पीड़ित आदमी, पीड़ित पीड़ित आम आदमी, पीड़ित आम आदमी, तो मिला जुला के ना ये तो गोली देने वाले, गोली देने वाले, मिला जुला के ना गोली मिलने वाली, देख रहे हो? कभी मना नहीं करते भाई, जब भी कुछ नई टॉपिक आई है, किसमी किसमी, वो तो बहुत पहले से ऐड नहीं आने शुरू हुई है, फिर मैंने ऐड देखी भी थोड़े दिन पहले, किस में ये बंदा ऐसे तो मिलता नहीं है। हाँ ये मिलता नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा था। राज भाई सुनो भाई, लास्ट कब मिले थे? एक सेकंड, कलकत्ता कौन गया था? मैं एक रात के लिए गया था, मैं तो एक मिलने आए, मैंने बोला सीपी आ रात के लिए गए थे, सीपी आ जाओ, कब बोला? मैंने बोला था कभी नहीं बोला, मैंने बोला मैं मायापुरी में हूँ काम करवा रहा हूँ, सीपी मिल लेते हैं अज्जू से। ओ भाई उस दिन आप अज्जू से मेरे को, मैं अभी अभी व्हाट्सएप दिखाता हूँ, रुक जाओ, क्या करवाना है करवाना है, क्या पीपीएफ और पता भी चलेगा कि स्किन है क्या है ना, एक तो ये और दूसरी यार मेरी बेटी ने साइकिल ली हीरो की यार, वो करवानी है। अच्छा डन, और झूठे मरे ना तब ये आदमी आया, मैं ना अगर इसके चक्कर में रहता ना तो यहाँ सबसे गाली सुनता, बड़े इतना झूठा आदमी, इतना झूठा, देखो 5 बजे आना था, 7 बजे आ रहा है भाई, स्टार्ट है ना, अब जा जो तू आ जा। हाँ आ जा। हेलो भाई, हेलो, और अन्नी शर्मा कैसे है भाई? अच्छा कैमरे के सामने सबको हक करना था। हाँ, देख रहे सेटअप भी तो महंगा है ना भाई, फाइनली 100th, हाँ ठीक है 100वें स्टोर की कांग्रेचुलेशन, क्या जबरदस्त है ना कलर, ओ भाई सोमा नाइस, कांग्रेचुलेशन ही बोला मैंने, थैंक यू बोला, ऑसम है। केक तो तुम्हारा भाई काटेगा? केक मैं काटूंगा, हम लोग सब एक साथ मिलके काट लेंगे, एक का ही, हाँ एक
हमेशा गंदी बातें गंदी बातें। तुम्हें पता है ना मैं एडिट नहीं करता, मैं भी नहीं करता ना। अच्छा ओहो एक और है, दो केक है। इंडिया जैसे 10 on 10 है, वैसे 100 on 100 है, 100 on 100 है। और ये बड़ी सेलिब्रेशन भाई, बड़ी बिल्कुल जी, अज्जू से भी बड़ी। जब नीडी हां अज्जू तो बड़ी है, 6 फुट का है। क्या अज्जू की छोटी है, मतलब दाढ़ी छोड़ो, क्या बोल रहे हैं, कह रहे अज्जू की छोटी है, क्या बोल रहे हैं, अरे दाढ़ी छोटी है, ये मुझे बदनाम कर। सुनो अगर मैं रिकॉर्ड करने पा रहा यूट्यूबर मैं भी हूँ, ये बात दाढ़ रही है और क्या मेरे सब्सक्राइबर जा रहे हैं। अरे रुक जाओ, अरे रील भी तो बनानी है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। भाई जब ये जला ना तो सबसे ज्यादा ये आदमी भागा, पहले मेरी पीपीएम करवा भाई, बड़ी टेंशन में आ गया था उसके भाई, ये तो तिलक टाट गई आज। भाई कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, बच गया उसके टाट फुंका देना भाई। मैंने बोला सबसे पहले पीपीएम मेरी करो भाई, सबसे पहले एक आदमी भागा ना। ड्रैगन चाहिए, ड्रैगन पीपीएम, ड्रैगन चाहिए, ड्रैगन क्या पीपीएम, हां गए टाट पे कुछ तो चाहिए ना भाई, बाल तो आ नहीं सकते तो पीपीएम ही कर दो। टाट कांप रही थी बिल्कुल, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो भाई, मुझे पता था एकदम पूछोगे। हां पक्का है ना, हां पक्का, नहीं नहीं मैं कह रहा हूं इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो यार, नर्स वेट कर रही है ना हॉस्पिटल में डॉक्टर। अरे यार तुम तो बड़े वल्गर लोग हो, तुम तो बड़े वल्गर नहीं हो भाई, लाइन लगी है वहां पे यार, वो फोन कर रही बार-बार कि आओ डॉक्टर साहब, तो नीचे से क्यों बोल रहा है फिर। तो कवल भैया कांग्रेचुलेशन फंस अगेन, थैंक यू भैया, थैंक यू, हां मिलता हूं ना फिर जल्दी आते रहना आपने, अरे कैसी बातें कर रहे हो, खाना आ गया हमने ट्रेनिंग, हां हां अरे कैसी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, हां आप मतलब सेल्फ मेड मैन हो यार कवल भैया, ठीक है चलो टच वुड यार, ठीक है मिलते हैं ना फिर। बाकी अपने गाड़ी में ना एक और सामान अभी लोड हुआ है तगड़ा चीज, कवल भैया के पास आए थे, मैं कहा कवल भैया अरे BMW में इधर पीछे भी लोड कर लिया मैंने, ये तगड़ी चीज है, तगड़ी चीज। किससे पता लगता है कि वर्क मैटर्स, हाँ वर्क पहले मैं। काम मैटर करता है, गाड़ी बाद में मैटर करती है, हाँ सही बात है, काम तो काम है, गाड़ी तो काम रहेगा तो गाड़ी तो ठीक वैसे कर लोगे आप, हाँ एग्जैक्टली। चलो गाइस okay, कर देते इस व्लॉग को यहीं पे खत्म, घर आ गया, एडिट कर रहा हूँ, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको थम्स अप देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड भाई इतना ही प्यार देते रहना जितना आप हमेशा देते रहो, ठीक है।